से साफ निकला। लिया लियो कोई नठे नीचे चले यहां आ जाओ ऊपर। चाहे जाओ ऊपर आ जा। गुड बाय। चलो नमस्ते कर दो बेटा। जैसा कि ना बेटा मना चा। गुड बाय। सो गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बस अभी जिम से आया, वो वाला व्लॉग एंड किया, अभी ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी एडिटिंग करूँगा एंड हाय मस्त एडिटिंग करूँगा एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आज तो ऐसा काम नहीं है, आज घर पे कोई नहीं है, सब गए। भैया तो दुबई गए, भैया कल आएगा, मम्मी पापा लोग भी आज जाने वाला है कुछ काम से। सो दैट्स व्हाई आई एम होम अलोन। सो आज क्या करेंगे बताए, कुछ नहीं। ऊपर आएंगे आज, टाइल्स लगाने वाला आएंगे आज। फ्लोरिंग की तो लग चुकी, मैंने आपको बताया, अब साइज की लगेगी एंड जो जो काम बाकी है वो कर देंगे। और एज आई टोल्ड यू, 4-5 दिन में, मैक्स 1 वीक में टाइल्स वाले का काम ख़त्म। और कल परसों से मिस्त्री का काम चालू है जोर शोर से। एंड ऑफ द दिसंबर भी अगर ख़त्म हो जाता है ना अपना घर, मेरा रूम, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। बिकॉज कि जब नया रूम बनता है ना, तो वो केमिकल एंड लकड़े की जो उससे जलन होती है आँख में। जब भैया और पापा का रूम बना था ना, बन चुका, अंदर रहने भी चले गए रूम में सोने के लिए, लेकिन आँख में जलन होती है। सो वो सब जाने में 1 वीक लगता है, तो बारी बारना सब खुला करना पड़ता है, विंडो एंड वो सब। सो उसके लिए एंड ऑफ द दिसंबर बन जाए ना, तो क्या होगा कि 1-2 वीक में खुला कर दूंगा दरवाजे और ये सब बारी वगैरह। सो उससे क्या हो जाएगा यार, कि वो सब है वो निकल जाएगा, केमिकल एंड ऑल उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो आँख में जलेगा नहीं। तो भाई लोग आज फिर से हो चुके हैं तैयार। आज हमने बाल सेट किए हैं और कल मेरे हेयर स्टाइल्स में सेट करके दिए थे, तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मैंने किए बुद्धू से और उन्होंने करके दिए थे मस्त एकदम सेक्सी वाले। इट्स ओके, इतना भी काफी है। काफी अच्छा लग रहा है भाई तुम्हारा, अब ऐसे बालों में रहना अच्छा लगता है मुझे। और थोड़ा वेट लॉस करना है, उसके बाद तो भाई काफी अच्छा लगूंगा। आई होप नहीं, मुझे पता है जब मैं बदला था ऐसे हेयर स्टाइल करता था तब भाई सेक्सी लग रहा था। किधर है ना, उनका मारवाण होगा। એને પકડી રાખો ને, પકડી રાખો ને, કસે એમ દોરી, બસ એને પકડી રાખો ને, નહીં પકડાય, ઉપર વહી જાય, બસ બહુ પકડા કાકા, એટો બહુ પકડા ले लो, चलो ने मरू दाबी देवन मरू खाली दाबी दे लीमला मरू दाब खाली पे मरू दाब पूछू अभी जो
बनी लिया बल पकड़ी देवा दो લેમિનલ આવે કાય બારી ને કડીક પડી જાય એમની તો નહીં નહીં કરતા બસ આ દાબી દે મારું ભાઈ ટોચારી કાણા પડશે देखो इसमें पानी के साथ चाय उबल रही है और शक्कर और यहाँ पे दूध रखा है गर्म करने के लिए। उसमें क्या होगा, पानी भी गर्म होगा दूध भी गर्म होगा, दोनों गर्म हो तो उबालने में थोड़ी सी लाइक जल्दी हो जाएगा इसलिए। और गाइस ऊपर का भी केमिकल ख़त्म हो गया था लगाने का, मीन्स टाइल्स लगाने का केमिकल ख़त्म हो गया था, सो वो लेने जाना पड़ा अभी तुरंत भागा में। मैं तो मस्त सो रहा था, वो भैया लोग ने जगाया कि भैया केमिकल खत्म हो गया आप तुरंत लेके आओगे, मैं बोला अभी लेके आता। सो फटाफट गया और 2 मिनट में लेके आ गया, दौड़ते दौड़ते गया और गुलाटी मारते मारते वापस। हने बा इसको भी हने बा, ये थोड़ी मिली ऊपर खड़ गए। और भाई क्या सीन हो गया पता है आपको, घर में से सांप निकला। डैम, उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो आते हैं ना तो काम करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो ऐसे वो आए वैसे ही कुछ ऐसे ऐसा करके तुलसी माटा में चला गया सांप, और उन्होंने देख लिया और मुझे बुलाया कि वो जो देखना नीचे क्या साहब बाप है। मैंने बोला साहब आपके घर में कहाँ आएगा। सो देन देखा 2 मिनट कैसे, तो उन लोगों ने देखा, उसके बाद तुलसी ग्यारह में से निकाला वो अंकल ने, देन उसको बाहर पकड़ा और मैंने मेरे अंकल को निवेश अंकल को फोन किया, मेरे काका को निवेश काका को, वो पहले से ही ऐसे पकड़ते पकड़ रहे साहब बाप। तो हमने उसके ऊपर टकारा रख दिया, उसको पहले पकड़ा लकड़ी से, उसका मुंह दबाया, देन उसके ऊपर टकारा रख दिया और उसके ऊपर 1-2 पत्थर रख दिए, यानी कहीं भाग के चलाना चाहे। देन क्या हुआ उसमें, सो फोन किया, अंकल आए, अंकल ने जैसे ही टकारा उठाया मस्त सुकुड़ के बैठा ला भाई, और ऐसे 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 भाग रहा था। अंकल कितनी कोशिश कर रहे थे उसको दबाने के लेकिन दब ही नहीं रहा था, छटक ही जा रहा था साला। उसके बाद आखिर में मेरे काका ने क्या किया, उसकी पूछी पकड़ ली, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, पूछ पकड़ ली, पकड़ के लाए और बर्नी होती ना बर्नी, उसमें डाला बहन किया और ले गए पीछे खेत बेट में और वहाँ छोड़ दिया। इसको मारना नहीं चाहिए, आपने सुना होगा अंदर कोई बोल रहा है उसको मार दो। मैंने बोला नहीं, उसको नहीं मारना है, वो भी एक जीव है, उसको क्यों मारने का, उसको जाके उनकी जगह छोड़ दो यार। इसलिए मैं ये सब बिलीव नहीं करता कि मार दो काट लो। कोई बोल रहा था, मैंने बोला नहीं 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 मारना नहीं है, उसको ले जाके कहीं और छोड़ देंगे, दैट्स इट। हम अपना काम करेंगे वो अपना काम करेगा, अपना काम ये है जो जीव को बचा सकते हो उसको बचाओ, दैट्स इट। अगर वो हमको काटेगा तो हम मार देंगे, जब तक हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरे को नुकसान पहुँचाएं। ये धरती अपनी थोड़ी ना है, पूरे जानवरों की भी है, मच्छरों की भी, सबकी है, अपने अकेले की थोड़ी है। अभी ये शूज हो गए हैं गंदे एकदम, देखो ना क्या यार कितने गंदे हैं, तो अभी इसको मस्त क्लीन करेंगे। सो अंदर भी गंदे हो गए हैं, सो लेट्स सी। नीरो भैया ने बोला कि इसके ऊपर वो जो तुमने मंगवाया था ना क्लीनिंग शू किट, उसी से मस्त धो दे, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, देखो कितने गंदे हो गए हैं। सो लेट्स सी, चलो ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अंदर का भी साफ करना है तो क्या करेंगे आई रियली डोंट नो। सो उन्होंने बोला कि एक काम कर, साबुन वाला पानी ले, भिगो दे अच्छे से, देन अंदर भी थोड़ा भिगो दे, थोड़ी 10-15 मिनट अंदर भिगो के रख, देन बाहर निकाल और ब्रश से थोड़ा किस देने का, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो भी वैसा ही करेंगे, अंदर का तो कुछ मामला अलग ही है, बाहर से हो जाए उसके बाद अंदर का तो देख लेंगे।
आई डोंट नो किसने पहना है ये वाला शूज, हमने पूरा गंदा कर दिया यार। मेरे भैया के अलावा कौन पहनेगा। सो ये है शू की लेस, शू को धोने के लिए रख दिया है। मीन्स पहले उसको घिसा वो वाले साबुन से जो किट में दिए हुए हैं, उससे थोड़ा ब्रश के साथ ब्रश भी दिया हुआ है। सॉफ्ट जगह पे सॉफ्ट वाला ब्रश है और हार्ड जगह पे हार्ड वाला ब्रश है। सो उसको करके सब घिसा तो काफ़ी अच्छा मैल निकाला गया। एंड जो नीचे का ये होता है ना, लाइक ये बग होता है ना, ये बग तो निकल ही नहीं रहा था, फिर मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा जो कपड़े धोते हैं ना वो वाला ब्रश। देन वो काफ़ी हद तक निकल गया। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, बिकॉज मैंने एक दो वीडियोज देखे कि ऐसे करने के बाद लाइक साबुन के घिस दो, देन पाँच एक मिनट साबुन वाले पानी में भिगो, देन फिर से घिसो, देन अच्छे वाले पानी में भिगो 5-6 मिनट, देन वॉशिंग मशीन में डाल दो फॉर हाफ एन आवर, देन वो हो जाए उसके बाद स्पिन कर दो, यानी सब पानी निकल जाएगा एंड आपके शूज तैयार। उसके बाद सुखाना पड़ेगा, ये बात ये बात, उसके बाद सुखाना पड़ेगा एंड सूख जाएगा तो फिर आप पहन सकते हैं। दैट्स इट, क्यों लियो, भूख लगी दे रोगा अभी, सो जा, चलो अभी सो जा। देखो गाइस कितने क्लीन हो गए, मस्त, और नीचे का भी कितना गंदा था, कितना हद तक अच्छा हो गया भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। और मैंने जिससे क्लीन किया ना वो मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो वो भी। होल्ड ऑन, ये दो ब्रश है, ये एक हार्ड वाला है जिससे आप नीचे की पट्टी है या फिर नीचे का सरफेस है वो कर सकते हो, और ये जो एक है वो सॉफ्ट वाला, कि ऊपर की जो लेदर है या फिर ऊपर का कॉटन बेस कुछ भी है कर सकते हो। सो बेसिकली ये है, उसका नाम देख लो आप, और अमेजोन पर मिलता है इजीली। सो इसके साथ एक लिक्विड और तीन ब्रश और एक नैपकिन आते हैं, बहुत हद तक अच्छा है, बहुत हद तक क्लीन हो जाता है। मैंने मेरे जो स्नीकर है मैं इंडिया में पहन के आया था, USA वाइट वाले, वाइट एंड रेड, सो वो भी इससे साफ किया था मैंने, काफी हद तक अच्छा हो गया था। ओ पापा, काफी हद तक अच्छा हो गया। चलो पापा दम लगा रहे हैं, एक बार फिर एक बार झलक देख लो। आज की बात करें तो गाइस आज कैलोरी बर्न की हमने 321 + 496, बिकॉज फर्स्ट किया इलेक्ट्रिकल 20 मिनट्स और उसमें बर्न किया हमने टोटल 375 कैलोरीज। देन किया हाई इंटेंसिव वर्कआउट, आज किया गाइस कार्डियो हमने 33 मिनट्स, उसमें 585 कैलोरी टोटल बर्न की, यानी टोटल अकाउंट करें तो 375 अराउंड लाइक 800-900 कैलोरी बर्न की हमने आज टोटल। सो आज तो भाई बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया, कार्डियो किया, उसमें तो काफ़ी पसीना हुआ, और आज लगा कि हाँ कार्डियो किया कुछ और उसके बाद प्रोटीन शेक पिया और ड्यूरिंग वर्कआउट किया BCAA। भाई काफ़ी एनर्जी रहती है भाई BCAA से भाई, डैम। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट में आपको जो लिखना है व्हाट एवर वांट टू राइट गो डाउन एंड राइट डाउन बिलो, एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब मी ऑन YouTube, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, करके लिए स्टे ट्यून्ड, आज के लिए बाय।